ठीक है, मैं बताऊं कि मैं तो बताऊंगा, मेरा काम ही बताना है। बट ये सवाल ये है कि तुमने जो चीजें बोली वो क्यों है, ये जानना बहुत जरूरी है इसका। तो लेट्स स्टार्ट विद एरीज। अगर हम स्कॉर्पियो को डार्कनेस बोले, तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि डार्कनेस क्यों है, क्यों है डार्कनेस, क्योंकि लाइट अब 8,000 में चली गई। अच्छा कहाँ गए थे, कहाँ गई है उसमें, लाइट भगवान ने कैसे गई कितने हुई ही है। अब अगर फर्स्ट हाउस आप एनर्जी एनर्जी भगवान है ना, जो एनर्जी सर्किट जो देता है प्रोवाइड। नहीं ओके, नहीं भगवान एनर्जी देता है, सर्किट देता है। अच्छा अच्छा कितने डिग्री एक अपोजिट। ठीक है, वो अपोजिट है, लेकिन और सोचो, और सोचो, इतना से काफी नहीं है, और सोचो कि ऐसा क्या है जो इसको अंधेरा कर रहा है, सर वो क्यों जो यहाँ पे लाइट सूर्य नहीं का पहुंच जो पा आप रही। बोल, आज सूर्य का बोलते हैं, बात तो सही है, और सोचो कुछ तो यहाँ फंडामेंटल पे घट रहा होगा सूर्य ना, जब इसको हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे अंधकार आ रहा है, समथिंग आ रहा है, सर लियो सूर्य से अस्त क्या हो रहे है, हैं सर, सूर्य लियो अस्त से हो रहे हैं ट्वेल्थ सर, सूर्यास्त हो रहा है। ठीक है इज इट ठीक है, रिलेटेड टू ब्लैक होल, सर इट इज रिलेटेड टू ब्लैक होल। काइंड ऑफ लियो से 12th आ गया ना, तो लियो से ट्वेल्थ कहाँ हो वैसे गया आई रे, ये मीन 12th बोलती हूँ, लियो डन 12th है। में नहीं, लियो लियो 12th में कहाँ गया। नहीं, एक लियो के तो 4th से चलिए मगर मारी, अब सुनो, ठीक है अब सुनो, नहीं देखो क्या देखना है। पकड़ो पहले सूर्य को, इट लुक्स स्केरी, डरावना ठीक है अब लगता सूर्य है। को ध्यान से देखना, इसका ये कहाँ है, एरीज में जा रहा है, ठीक है अब राशियों के उससे देखते रहना। कैंसर आ गया, लियो आया, वर्गो आया, लिब्रा आया, स्कॉर्पियो आया, अब यहां पे देखना क्या हो रहा है। अक्वेरियस, पाइसिन, एरीज, फिर एरीज फैमिली, ठीक है क्या देखा, कुछ दिखा, यस और नो, मतलब नहीं दिखा तो नहीं दिखा, बोले नहीं दिखा, फिर से नहीं, नहीं देखा, समझ में आया सर, नहीं नहीं समझ में समझ आया में सर, आया आप ना। एक बार नहीं हाँ वापस अब फिर बोलिए। से देखो, फिर से देखो, ध्यान से देखना, लेकिन सन को मत देखो, उसके पीछे राशियों को देखो कि कैसे जा रही है, ठीक है ध्यान से देखना, उनकी राशियों को देखना कि कैसे जा रही है। अब ध्यान से देखो राशियों में कैसे जा रही हूं, चलते रहने दे रहा हूं, फिर से ध्यान से राशियों को देखते रहना क्या हो रहा है। क्या समझे विनय जी, नहीं नहीं समझे, सर, कोई बात मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया सर। कोई बात। आप प्रीति जी बड़ा मुस्कुरा रही है, बताइए क्या है। स्कॉर्पियो से सब नीचे ऐसे आने लग गई, पहले सब ऐसे जा रही थी, अब सब ऐसे आ हाँ रही, नीचे की तरफ जा रही है राशियां सारी। इट्स लाइक न्यू बर्थ जैसा कुछ, फिर से रिपीट हो। जब ओके सूर्य, ये एक्चुअली क्या है कि अर्थ ऐसी है, हमेशा टिल्टेड रहती है अर्थ, ठीक है, सो क्या हो रही है कि वो रोटेट कर रही है, साथ ही साथ रिवॉल्व कर रही है,
लेकिन सन को जब हम देख रहे हैं ना तो ये टिल्ट आता है, ठीक है, मतलब क्योंकि जैसे मान लो ये सन है, ठीक है, ये सन है और अर्थ हमेशा ऐसी है, ठीक है, तो जब ये सन को अगर आप एक पॉइंट पे बैठ जाइए यहाँ पे कहीं इधर साइड पे बैठ जाइए, तो जब आप सन को देखेंगे तो आपके सामने सन दिखेगा, ठीक है, लेकिन ये घूमते 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 इर्द गिर्द आएगा। सो ये जो वॉबलिंग है ना, ये इसकी वजह से ये वॉबल भी होती है एक पूरे साल में। तभी हमें ठंड और गर्म का एहसास होता है। अगर मान लो कि हम जैसे कि जो सेंटर वाला पॉइंट है ना, ये जो तुमको सेंटर वाला लाइन दिख रही है ना, इस लाइन को पे हम माने कि ये हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, ये इंडिया है, यहीं पे बैठे हुए हैं। जब हम, पता है, जब ये सन है और जब गर्मी पड़ती है तो अर्थ ऐसे होती है सूर्य के थोड़ा करीब, और जब ठंडी पड़ती है तो अर्थ ऐसा होता है। तो इतने से इतने में ठंडी और गर्मी पड़ जाती है। इसीलिए जब ऑस्ट्रेलिया होता है, अब समझो कि ये अगर ये मार्क जो है वो इंडिया है और नीचे वाले मार्क को हम समझे कि ऑस्ट्रेलिया है, तो जब हमारे यहाँ ठंडी पड़ रही होती है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ रही होती है, समझ रहे हो? जस्ट विपरीत होता है, क्योंकि हम ऊपर है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं इसको, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे होने की वजह से हमें जब ठंडी पड़ती है, जब हमारा ऐसा वॉबलिंग होता है तो हमें ठंडी होती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वालों को गर्मी चल रही होती है, और जस्ट वाइसी वर्षा होता है, जब हमको गर्मी हो रही होती है तो ऑस्ट्रेलिया वालों को ठंडी हो रही होती है, क्योंकि वो खसक गए पीछे की ओर सूर्य के किरणों से। उसी भांति जब ये चलते चलते जब आप दो पॉइंट आते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं जिसको बोलते हैं उत्तरायण और दक्षिणायन, ठीक है, यही होता है उत्तरायण और दक्षिणायन। मतलब कि क्या होता है कि जब आपको सन जो है ना वो नीचे जाता हुआ दिखने लग जाए, नीचे यानी कि दक्षिण की तरफ दिख जाते हुए दिखेगा, जब ठंडी का समय आने लगेगा सूर्य का दिशा दक्षिण दक्षिण होता चला जाता है, और जब गर्मी आती है तो उत्तर की ओर होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उतना ज्यादा मत समझने का, टेंशन मत लो। इस सिंपली इज लाइक कि जब अर्थ की वॉबलिंग हो रही है, जो राशियां हैं, जो 12 राशियां तुम्हारे इधर इर्द गिर्द है, वो सर्कुलर नहीं है, वो थोड़ा सा इलिप्टिकल है, वो ऊपर से है, और इसकी वजह से क्या होता है कि एक पॉइंट नीचे वाला पॉइंट है और एक पॉइंट ऊंचा वाला पॉइंट, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ ना, ड्रॉ करके बताता हूँ। सर एक बार वीडियो वापस चलाएंगे, अभी हाँ चला देते, सब तुमको चला, एक बार चलाइए ना, तो अभी डू इट कैन। आप देखो ये अभी ना लोएस्ट पॉइंट है सन का, ठीक है, अब देखो ये राशियां ऊपर, अब सन जो है ना, क्योंकि हम सन को पकड़े हुए हैं इसलिए राशियां ऊपर जा रही है, राशियां नीचे हो जाते हुए दिख रही है, और सन ऐसा लग रहा है कि ऊपर चढ़ रहा हो, राशियों पे चढ़ा, एरीज पे चढ़ा, अब यहां से वो बैलेंस आ गया, ये टॉप पे पहुंच चुके हैं, अब धीरे धीरे यहां से नीचे जाना शुरू होगा, अब कैंसर के बाद पूरा नीचे जाना शुरू हो जाता है, देखना कैंसर के बाद ये आ गया। आप देखो राशियां कैसे, राशियां पीछे वाली जो जा रही है वो बिल्कुल ऊपर की हो गई और ये नीचे की ओर जा रहा है, जा रहा है, अब लिब्रा तक पूरा नीचे जाएगा, और जाते जाते जब स्कॉर्पियो आ जाएगा ना, वहां से फिर डिप लेकर के ऊपर चढ़ेगा, ये देखो अब सेजिटेरियस, आप देखो केप्रिकॉन ऊपर आया, आप और एक्वेरियस ऊपर, और पाइसिन ऊपर, ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर, समझ रहे हो? सो इट्स नॉट कि हमने ना उसको बस बोला कि भाई स्कॉर्पियो अंधेरा है, अंधेरा है, कोई तो नेचुरल फिनोमेना होना चाहिए ना, लिंक समझ गया ना, मतलब मेरे को ड्रॉ तो नहीं कराओगे, करवा ठीक देंगे। है। ये वो डिप के तो लिए है, ये जो टिल्ट है उसके लिए है। वो टिल्ट की वजह से डिप आता है, ठीक है, वो डिप है, वो सन वहां पे जाता है। कथाएं भी है इसमें, कथाएं क्या है कि बोले कि जब वर्गों में जैसी एंट्री होती है तो देखो कि नीचे जाना शुरू हो जाता है, तो कथा में तो वो सुनाई दी कि संजना और सूर्य की कथा है, कि वो सूर्यदेव संजना को ढूंढते हुए, उनकी रश्मियां इतनी ज्यादा होती है कि संजना उनके साथ रह नहीं पाती, तो नाउ सूर्यदेव विश्वकर्मा के पास जाते हैं कि कौन से ऑब्स सन की जो किरणें उनको कम की जाए, ताकि वो अपने पत्नी के साथ रह सके, दैट इज व्हेन सन इज एंटरिंग इन लिब्रा, सन लिब्रा में एंटर करने से पहले अपनी रश्मियों को छोड़ता है, तो वो एंटर करता है लिब्रा में, और सब वहां से उसकी रश्मियां कटती है, तो इसीलिए ठंड का मौसम शुरू होता है यार, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सो दैट इज हाउ इट इज कि जो जेमिना है ना, इट्स लाइक द टॉप मोस्ट राशि है, वो सबसे ऊंची राशि है, जेमिना एरीज की राशि, ठीक है, जेमिना एरीज जेमिना ये सब ऊंची की ओर आती है, और जो तुम्हारा लिब्रा स्कॉर्पियो ये है, ये सब नीचे की ओर सतह में घूमती हुई राशि, ठीक है, तो डीपर उसमें जाने के लिए,
ठीक है, एमएसपी के हिसाब से, इसीलिए तो कोई ऐसा नहीं, इसीलिए ये इसको बोला गया कि ये निचला राशि। ठीक है, सिंबलिज्म क्या दिया इन्होंने, सिंबलिज्म दिया इसको वृश्चिक का। लेकिन ये सबसे ब्यूटीफुल अगर कोई कॉन्स्टिलेशन देखने लायक है तो वो दो ही है, वो एक ओरायन है और एक स्कॉर्पियन है। ओरायन और स्कॉर्पियन का मेरे को सबसे सही लगता है देखने में। आज कहाँ है सन, सन इज इन एरीज है, तो तुमको शाम, आज भी उठोगे ना शाम में जाओगे तुमको दिखेगा, शाम के समय में अगर तुम पहुंच जाओ छत पे और तुमको आता होगा कैसे इसको पॉइंट आउट किया जाए, तो तुमको वो देखने को मिल जाएंगे कि कहाँ स्कॉर्पियन है, तुमको ये पूरा का पूरा ऐसा दिखता दिखेगा। ठीक है, मैं तुमको टाइम भी बता सकता हूँ किस टाइम पे तुम जाके देखोगे ना तुमको बराबर दिखेगा। रात में तुम 11:30 बजे चले जाओ, 11:30 बजे जाओगे तो इधर देखना, वेस्ट में नहीं साउथ में, सदर्न टाइप में तुमको ये तीन, एक मेजर ये स्टार मिलेगा और ऐसे तुमको ये इसकी पूंछ मिलेगी, क्लियर स्काई होना चाहिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और ये मेन स्टार मिलेगा तुमको, ये ऊपर वाले हल्के हल्के दिखेंगे, ये स्टार सबसे कम दिखता है बट ये दोनों बहुत प्रोमिनेंटली दिखते रहते हैं। ठीक है, सो दैट इज हाउ स्कॉर्पियो इज, ठीक है, इसलिए इसको वृश्चिक का वो दिया गया।